सिद्धार्थनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग के नसबंदी करने वाली टीम की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। पूरा मामला जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र के पीढ़िया गांव का है, जहां पर नसबंदी करवाने के लिए एक मंजू नाम की महिला खेसरहा सीएचसी पर जाती है और वहां उसका नसबंदी किया जाता है, लेकिन नसबंदी के बाद से उसकी हालत बिगड़ जाती है, ऐसा परिजनों का कहना है। और इसके बाद वह सीएचसी खेसरहा से लेकर मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर के इमरजेंसी वार्ड तक पहुँचने पर महिला की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि डॉक्टर उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर देते हैं, जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया है। इसके बाद परिजन मामले को लेकर थाने से लेकर स्वास्थ्य विभाग जिलाधिकारी तक में शिकायत किया है और डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित परिजन ने पूरे मामले को बताया और डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वही मामले को लेकर सीएमओ डॉक्टर नवीन वाजपेयी द्वारा मामले में जांच टीम गठित कार्यवाही की बात कही है, लेकिन बड़ा सवाल ये डॉक्टरों की लापरवाही से कब तक निर्दोषियों की जान जाएगी और कब तक ऐसे दोषी डॉक्टरों पर कार्यवाही होगी, यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आगे की नसबंदी करवाई उनको उनके डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनका डेथ हो गया। और कहां नसबंदी करवाई? यहां स्वास्थ्य केंद्र रहा सीएससी डॉक्टर की लापरवाही के कारण से उनकी हाथ कट गई। फिर हम लोग डीआरडी मेडिकल कॉलेज में ले गए, वहां सर्जरी हुआ। फिर वहां दवा ववा चला। फिर कल 4 बजे उनका देहांत। तो आप लोग पीएम आवास आए हैं रात में 1 बजे। चाहते क्या? चाहते हैं यही है कि न्याय मिले, उचित कार्रवाई हो, सरकार की तरफ से मुआवजा मिले। छोटे छोटे बच्चे, अभी 3 महीने की बच्ची है। उनके खिलाफ शिकायत की है आपने? हाँ, शिकायत किए हैं वहाँ थाने पे भी किए हैं, और फिर यहाँ चिकित्सालय सीएमओ के साथ पास भी एप्लीकेशन किए हैं, और भी ये डीएम के पास किए हैं। ये ऑपरेशन उसका नसबंदी कैंप बाहर की टीम आई थी, बाहर की टीम 23 नवंबर में आई थी, ऑपरेशन किया था और उसकी डेथ कल हुई है। तो ये मामला काफ़ी पहले ऑपरेशन हुआ था और उसको देखा जाएगा, इसके ऊपर टीम बैठाई जाएगी। लेकिन आँख फटने केस होता है, एक एक्यूट कंडीशन होती है, तुरंत जो कुछ भी बीमारी होती तुरंत हो जाती है, एकदम से हो जाती है। ये आँख अगर उस ऑपरेशन के दौरान अगर फटा था, 23 नवंबर को अगर ये केस हुआ था, तो आप समझिए कि 23 तारीख को ही या 23-24 में उसकी जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, नवंबर में ही। इतना लंबा लॉन्ग पीरियड नहीं लगता है इंटेस्टाइन परफोरेशन के बाद। लेकिन परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से ही। नहीं, परिवार वाले थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं, जानते हैं इस चीज़ को कि वो फिलिपिनटू जो है एक्स्ट्रा प्रायोरिटी में होती है, और ये ऑपरेशन नसबंदिया ऑपरेशन में कोई चूरा गैची वगैरह अंदर नहीं जाती है, केवल एक ऊपर ही हल्का छोटा सा इंसिजन डाला जाता है स्किन में, उसके बाद पूरा जो है कोई भी चीज़ ऐसी साफ चीज़ अंदर पेट के अंदर नहीं जाती। सर, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की? हमारा टीम जो है बना करके इसकी जो है जांच कराई जा रही है, और टीम की जो है अब तक प्राप्त होगी उसको देखा जाएगा। मोस्ट वर्ल्डली लग रहा है ये सबकी सीमिया की वजह से जो है, जैसा पोस्टमार्टम में बताया गया, विदित किया गया है हमको, जो रिपोर्ट वगैरह जो है बनाई गई है कि ये लीवर में भी, लंग्स में भी, और भी जगहों पर पास्कल कल्चर फेफड़े में भी पाया गया था, और भी जगहों पाया गया था, और लेयर जो है आपके चिपक गई थी, फेफड़े की भी लेयर चिपक गई थी, लीवर भी चिपका हुआ था, कई चीज़ें ऐसी पाई गई थी जिससे कि चांसेस हैं सबकी सीमिया में जो है डेथ हुई।